दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं टेक ट्रेंड्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एसएसडी के बारे में। आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसके अंदर एसएसडी है या नहीं है? अगर नहीं है तो आपको इस लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर एसएसडी जरूर लगवानी चाहिए। इससे क्या होने वाला है ये आपके मन में एक डाउट होगा या क्वेश्चन होगा आपका। अगर एसएसडी को हमने हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर लगा दिया तो क्या होगा? तो दोस्तों इसे लगाने के बाद आपका लैपटॉप का, डेस्कटॉप का जो स्पीड है काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है, उसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा सुधारने वाला है। तो इस एसएसडी की कीमत कितनी होंगी? काफी लोग ये सोचते होंगे इस एसएसडी की कीमत बहुत ज्यादा है। दोस्तों इसकी कीमत जो है अभी कम हो चुकी है, अभी तो फेस्टिवल ऑफर चालू है, बहुत सारे ई कॉमर्स के जो वेबसाइट्स है वहां पर काफी अच्छे ऑफर्स चालू है, तो आपको ये एसएसडी काफी अच्छे ऑफर्स में मिल जाएंगे। और आपको एसएसडी किस तरह से लगवानी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में जो कुछ हार्ड ड्राइव है उसे आपको स्टोरेज के लिए यूज करना है। जो भी कुछ फोटोग्राफ्स है या कुछ फाइल्स है, फोल्डर्स है, वीडियोस है, ये आपको हार्ड ड्राइव पे स्टोर करना है। और एसएसडी का यूज जो है आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है उसके लिए यूज करना है। जो भी आप विंडोज 10 या विंडोज 11 या ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में ये इंस्टॉल करने वाले हैं ये आपको एसएसडी पर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको बाकी का जो स्टोरेज है ये हार्ड ड्राइव पे रखना है। ऐसे दो डिवाइस आपको इसके अंदर लगवाने हैं। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने इस एसएसडी के ऊपर इंस्टॉल कर दिया तो इसका जो बूटेबल जो स्पीड है वो भी आपको बढ़ के मिलेगा। और आपके जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है उसे ओपन करना, क्लोज करना या फिर आप जो भी कुछ कमांड्स या कंट्रोल्स करते हैं वो भी स्पीड से ऑपरेट होंगे। तो इसके लिए एसएसडी आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जरूरी है। कुछ अच्छे एसएसडी के जो लिंक्स है नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। आज की जो जनरेशन है उनको लैपटॉप में या डेस्कटॉप में स्पीड जो है काफ़ी अच्छी तगड़ी होनी चाहिए। उसके लिए प्रोसेसर, रैम ये चेंज करने के बारे में सोचते हैं। बट इसको चेंज करने से पहले मेरा एक ऐसा एक सजेशन है आपको, आप पहले एसएसडी इसके अंदर लगवा दीजिए, उसके बाद आप इसका जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है चेक करें।